subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Good morning! Welcome to Hungry Spirits channel. स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Hungry Spirits में. तो दोस्तों आ गए हैं हम दोनों फिर से उसी शो को लेके जो आपको बहुत पसंद है और हमें भी बहुत पसंद है. वो शो का नाम है घर घर बिग बॉस. घर घर बिग बॉस. शुरू करते हैं नवीन जी ऑडियो का सिलसिला. और ऑडियो पहला आपको मैं सुना रही हूँ जो आया है मुंबई से. नीलिमा जी ने भेजा है और आप ऑडियो सुनिए फिर आप बताइएगा कि नीलिमा जी किसकी फैन है. ओके ठीक है सुनाइए. ठीक है. मैं नीलिमा बोलती हूँ मुंबई से. अभी सिद्धार्थ का हो गया पीछे लग के रश्मि के. अभी वो उसने आधा काम किया पीछे लगने का. अभी माहिरा कर रही. माहिरा को क्या कुछ काम धंधा है ही नहीं है. बस दूसरे की इज्जत उछालती रहती है. क्या 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 रश्मि को बोलती है. बोलती पीछे से बात करती है रश्मि आंटी. तो ये दादी माँ क्या करती. ये भी तो दादी माँ पीछे से ही बात करती ना. ये दादी माँ का ये जो माहिरा दादियां है ना माहिरा दादी का कोई रोल नहीं बिग बॉस में. कोई काम नहीं है. पता नहीं है वो आज उन तक क्यों बिग बॉस में है. एक्चुअली अभी कल के सैटरडे को ये दादी माँ को इस शो से जाना चाहिए. माहिरा को बकवास है. माहिरा पीछे लगी है रश्मि के. जब ये पारस बात करने को लगा तो ये दादी माँ बीच में आके बोलती है सिद्धार्थ को ऐसा बोलती है. ये सास बनती है सिद्धार्थ की. खुद को तो खेलने को आता नहीं है. आखा दिन वो बस ब्रेकफास्ट उसको खिलाते रहते खाना खिलाते रहती चुम्मा चाटी करती रहती है. यही करने को शो में आई है. बाकी शो में किसी ने भी अर्जुन तक ऐसा चुम्मा चाटी नहीं किया है जो काम वो माहिरा कर रही है. वो रश्मि को बोल रही है. रश्मि कुछ पीछे से बात नहीं करती है. और रश्मि को बोलो ये दादी माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है. तुम बिंदास पीछे से बात करो. पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि वो क्या गेम खेल रही है क्या नहीं. हमको मालूम है रश्मि अच्छी है. रश्मि कोई फ्रॉड गेम नहीं खेलती है. ये दादी माँ फ्रॉड गेम खेलती है. दादी माँ सिर्फ सुबह उठ के ये माहिरा दादी माँ उसको खाना खिलाती है नाश्ता कराती है. अभी दादी माँ को बोलो उसको नहलावे उसको तैयार करे. यही काम के लिए अंदर आई है क्या माहिरा दादी माँ. प्लीज माहिरा दादी माँ को गेट आउट करो. कल उसको गेट आउट करो. वो कोई शो के लायक नहीं है. वो अभी सिद्धार्थ का हो गया. अभी ये दादी माँ उसके पीछे हाथ धो के लगने लगी. ये दादी माँ को तो कुछ काम धंधा है ही नहीं. वो बराबर माधुरी ने बराबर बोला कि आखा दिन गोद में बैठती है उसको खाना खिलाती है नाश्ता करती दूसरा क्या करती है. गेम में पूरे शो में सब लोग खेल रहे इसको तो फुर्सत ही नहीं मिलती है. बस आखा दिन वो पारस को खाना खिलाती है नाश्ता कराती है डिनर कराती है. अभी उसको बोलो पारस को नहलाएगी धुलाएगी सुलाएगी. यही काम करने के लिए आई है. मेहरबानी करके सलमान भाई को बोलो उसको कल रफा दफा करेगी. ये माहिरा झूठी दादी माँ को माहिरा दादी माँ झूठी दादी माँ माहिरा नंबर वन झूठी. और पीछे से ये बात करती रश्मि नहीं बात करती. रश्मि मुंह पर बोलती है. वाह नीलिमा जी थैंक यू सो मच. किसकी फैन वो बता. मैंने जो बोला था पहले वो बता. तो वो तो मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था रश्मि देसाई. तो अब रश्मि देसाई के फैंस को ये एतराज नहीं होना चाहिए कि हम उनके ऑडियो शामिल नहीं करते क्योंकि भेजा है तभी हमने शामिल किया है. भेजिए और भी जो है लोग फेवरेट है जिसके वो भी भेजिए. तो इनका जो गुस्सा है वो माहिरा पे उतरा है क्योंकि माहिरा ने कल रश्मि को आंटी मत बोलो. ये बात सही है. आपको गुस्सा फैन है तो गुस्सा आना जायज है मगर थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है कि जो रश्मि देसाई जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रेट कर रही है जैसे वो शुरू में थी अच्छी लग रही थी अब थोड़ा सा अजीब उनका लग रहा है. डेफिनेटली है ना. तो वो थोड़ा सा चुगलीबाजी थोड़ी कम कर दे तो वो अच्छी हो जाएगी. तो थैंक यू सो मच नीलिमा जी. आगे भी आपके ऑडियो का इंतजार रहेगा. आगे नवीन जी आपको मैं सुना रही हूँ संदीप का ऑडियो. ओके सरूर मैम नमस्कार. मैं ये कहना चाह रहा था
कि देखो एक पहले तो आपको बधाई दे रहा हूँ और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से, क्योंकि आपका चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो दर्शक देख के हम लोग आपके चैनल के द्वारा अपनी मन की भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, जैसे हम एक घंटे का शो देखते हैं उसके बाद यदि आपका रिव्यू ना देखें, घर घर बिग बॉस ना देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने आज बिग बॉस शायद देखा ही नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसिम, रियाज और रश्मि देसाई और आज ये विशाल, वैसे तो ये मधुरिमा भी है, सैफ अली बग्गा भी है, लेकिन ये तीनों मैन है आज, आसिम, रश्मि और विशाल। ये तीनों सिद्धार्थ शुक्ला के पीछे बिल्कुल हद होके नहीं ना धोके पड़ गए हैं, लेकिन इनसे सिद्धार्थ शुक्ला हिलने वाला नहीं है। ये शो को भी बोल रहे हैं, कैमरामैन को बोल रहे हैं, क्रिएटिव टीम को भी बोल रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बार धक्का मार दिया तो उसे नॉमिनेट कर दिया गया था। तो असीम ऐसा क्या हाथी का पाँव है, रश्मि ऐसा क्या है जो कुछ भी बोल रही है, इनके कोई सजा नहीं मिल रही, धक्का दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। आज बाप पे पहले कौन आया, आसिम आया, फिर भी कोई एक्शन नहीं, और धक्का दिया पीछे से। आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो जैसे सिद्धार्थ शुक्ला वो पास पास में चल रहे थे तो पीछे से जो कंधे का कंधा लगाया वो किसने लगाया, आसिम ने लगाया। सना को किसने मारा, आसिम ने मारा। गालियां कौन दे रहा, आसिम दे रहा है। भड़का कौन रहा है सारे घर को, आसिम और रश्मि भड़का रहे हैं। सारे माहौल को खराब कौन कर रहे हैं, आसिम और रश्मि कर रहे हैं। सबसे जो गंदा खेल रहे हैं, अपने अलग से ही मीटिंग बना के सबके पीछे से गटर गटर बोल रहे हैं, वो ये दोनों बोल रहे हैं। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई इनको समझा नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। एक दो लोग हैं, मतलब एक ही दो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि चैनल फेवर कर रहा है किसकी, सिद्धार्थ शुक्ला की, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि थोड़ा बहुत है तो रश्मि देसाई और आसिम के लिए है, इनके प्रति कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन हुआ तो सिर्फ किंग के लिए हुआ, किंग कौन, सिद्धार्थ शुक्ला। और किंग है, किंग था और किंग रहेगा। हम तो सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे, और हम ये चाह रहे हैं कि ट्रॉफी जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला की और होगी भी। यदि कोई धोखा नहीं हुआ तो सिद्धार्थ शुक्ला ही विनर है, पक्का से पक्का। मैं हरियाणवी में बोलता हूँ, यो तो जीतेगा भाई, कोई रोकनी है को नहीं सुने। थैंक यू जी। क्या बात है भाई, ये तो जीतेगा भाई, कोई रोक ना सके। तो धन्यवाद संदीप जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये बात, इस बात से अंजू जी मैं भी अग्री करता हूँ उनकी बात से, क्योंकि धक्का मारने पे सिद्धार्थ शुक्ला को हर बार जो है, दो तीन बार तो हो चुका है, दो बार के नॉमिनेट हो गए, लगभग एक महीने के लिए नॉमिनेट हो गए, लेकिन ना यहाँ पे कोई हिमांशी खुराना नॉमिनेट हुई, ना यहाँ पे कोई भी नहीं हुआ। धक्के बहुत लोगों ने मारे। ये कल के टास्क की भी एग्जांपल दे रहे थे। तो खैर आपने बड़े बारीकी से आपने उसको नोटिस किया है, और साथ में आपने जो लिखा है कि सिद्ध जो है किंग था किंग रहेगा। तो ये है फैन के मन की बात, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने हमारी भी तारीफ की है, और हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको भी नवीन जी, हम दोनों को ही, कि हम जब आपके ऑडियोज आपकी जो फीलिंग्स है हम सब तक पहुंचाते हैं, है ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, आपको तो लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच संदीप आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। तो आगे रुपिंदर का ऑडियो है पटियाला से, पटियाला से सुनिए। हेलो मैम, हेलो सर, अभी मैं बात करना चाहती हूँ आसिम के बारे में। मतलब ऐसे वर्ड्स नहीं है जो उसको डिस्क्राइब कर पाए। मतलब जब वो बंदा मुंह खोलता है तब इतनी वो बकवास करता है, टू मच, मतलब हद होती है किसी बात की। अब वो जो उसने अभी आज के उसमें किया कि उसने पहले सिद्धार्थ को बोला कि तेरा बाप होगा क्राई बेबी, तो ठीक है अगर सिद्धार्थ ने उसको क्राई बेबी बोल भी दिया, वो मतलब ठीक है कि वो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तू भी उसको रिप्लाई में कुछ मर्जी बोल दे, डंगर, अग्रेसिव, मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो कुछ भी बोल सकता है, बट उसको बोलना है हाँ तेरा बाप होगा क्राई बेबी, ठीक है। तो उसने बाप पे स्टार्ट किया, तो सिद्धार्थ ने बोल दिया कि हाँ तो मेरा बाप तो है नहीं अब, तो
वो जहां पे भी है जब भी तेरे को मिलेगा उसको भी पता है ना उसके डैड की डेथ हो गई है, तो उसके मिलने का तो पॉसिबल है ही नहीं दोबारा। तो उसने ये बकवास की कि हाँ जब भी तेरे को मिलेगा तब मतलब देख लेना। तो उसके बाद उसने बोला कि हाँ, आसिम ने कि हाँ तेरा बाप तभी जल्दी मर गया, अच्छा हुआ कि तभी जल्दी मर गया, वो डिजर्व करता था। तो उसको आसिम को कोई ये पूछे कि तेरे जो घर वाले हैं तेरे या कोई भी तेरा है तो तुझे क्या लगता है कि सारे अमर बैठेंगे, तो तुझे इतनी भी वो रिस्पेक्ट नहीं है कि हाँ किसी की डेथ हुई है तो उसको तू इतना बकवास बोल रहा है कि हाँ अगर किसी के फादर नहीं है तो अच्छा हुआ कि वो जल्दी मर गया, तो उसको थोड़ी तमीज सिखाओ पहले तो। अगर हो सके तो बिग बॉस उसको बाहर निकाले, और उसका जो भाई बैठ के बाहर इतने प्रवचन देता है तो वो अपने भाई को घर पे रखे थोड़े दिन, और उसको अकल सिखाए कि बोलने की तमीज कैसे होती है। एक वो जब भी मुंह खोलता है टोटली बकवास करता है, एक उसको सिद्धार्थ के साथ ही लड़ना है 2400 घंटे। मतलब सिद्धार्थ ने कहीं कुछ बोला एक वर्ड तो वो पहुंच जाएगा। स्टार्ट वो यहां से नहीं करता कि हाँ तूने मुझे ऐसा बोला या ऐसा कुछ आएगा, अगर उसको पता चला कि हाँ कोई एक सिंगल बात भी हुई है बहुत छोटी सी आएगा हाँ भोंक भोंक भोंक, मतलब भोंक से वो स्टार्ट करता है। फिर वो उसका दूसरा होगा वो तेरी चेन कहाँ है, तू ये क्या कर, तू ऐसा है, तू गटर है, तू ये है, तू वो है। तो कोई आसिम को ना एक दिन अगर हो सके तो बिग बॉस उसी का मतलब उसको एक रूम में सीक्रेट रूम में भेज दे और उसकी ऑडियोज प्ले कर दे, उसकी वीडियोज प्ले कर दे जिसमें उसने जो जो अब तक बकवास की है वो उसको सुनाई जाए, ताकि उसको ये पता चले कि हाँ जो अब तक वो बकवास कर चुका है तो वो सिद्धार्थ कुछ भी नहीं भोंकता। वो जो कुछ बोलता है ना सिद्धार्थ को कि सिद्धार्थ भोंकता है, तो सिद्धार्थ तो आसिम के आगे बहुत कम भोंकता है, जितना आसिम अब तक भोंक चुका है ना उतनी बकवास अभी तक किसी ने की नहीं है। तो ये तो मेन आसिम ही है, मुझे आसिम जो खुद सिद्धार्थ को गटर बोलता है सबसे बड़ा गटर आसिम है, उसको बोलने की या कुछ भी एक पैसे की तमीज नहीं है। वो जो उसने दिखाया ना अभी उसने बोला कि एक सॉरी से क्या होता है, तो मतलब ये था कि अगर सिद्धार्थ में एटलीस्ट इतनी बात तो है कि अगर उसने जो बोला है वो उसने किया भी है, जो उसने सलमान सर रोहित शेट्टी के सामने किया उसने उसके बाद उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया ताकि झगड़े ना हो, जो उसने मतलब अपने उस पे किया। और जब उसकी मॉम का लेटर आया तब भी उसने ट्राई किया, पर वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, वो आसिम पे बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट सही वो चीज है कि आसिम नहीं सुधर सकता, उसको बस एक ही वो दिखा हुआ है कि हाँ बस मुझे सिद्धार्थ से लड़ना है, जैसे मर्जी मुझे बकवास करनी है। जब सिद्धार्थ के मुंह से एक वर्ड निकला नहीं और उसने बकवास शुरू की नहीं, बस सीधा स्टार्टिंग में आ जाएगा भौंक भौंक, कुत्ता है तू, ये है तू, वो है, तेरी चेन कहाँ है, तू गटर है, तू उसे मुश्क मारती है, तू ये है वो। और आज जो उसने डर्टी टाइप चीप लैंग्वेज यूज की आसिम ने वो तो टोटली बकवास थी, कि पेंट वाली जो भी टॉपिक चला था वो तो निहायत ही घटिया था, वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा था कि वो किस टाइप का पर्सन है, तो उसको तो हम वैसे ही बिल्कुल शो में नहीं देखना चाहते। हालांकि और भी कंटेस्टेंट है जैसे कि शिफाली बग्गा, मधुरिमा और विशाल जो अभी लायक नहीं है अभी रहने के, उन्होंने कुछ नहीं किया, बट सबसे पहले आसिम को निकालना चाहिए क्योंकि जितनी बकवास वो करता है तो बंदे का मूड स्पॉयल हो जाता है स्टार्टिंग में ही, और वो उसको अभी किसी का मन नहीं करता कि हाँ हम आगे बिग बॉस में देखे, बहुत रेयर रेयर मतलब सीन्स आते हैं जहाँ पे कुछ अच्छी बात होती है, नहीं तो 2400 घंटे आसिम का मुंह खुला नहीं और 10-15 मिनट के लिए तो आसिम की बकवास सुनने को जो मिलती है ना तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो आसिम जो है वो सबसे बकवास पर्सन है उस घर में पूरे में, जब भी वो मुंह खोलता है बकवास करता है, और आज तो उसने अपनी असलियत डिस्क्राइब कर दी। तो मेरा यही था उस मैसेज कि उसके भाई को उसकी मतलब जब भी वो बाहर आए उसको अपने पास रखे और उसको थोड़ी सी तमीज सिखाए ताकि वो बोलने से पहले कुछ सोचना शुरू करे। थैंक यू सो मच रुपिंदर जी, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है भैया। सीक्रेट रूम में आंखें खुल जाती है इंसान की, हाँ उसको दिखाओ कि क्या कैसे वो दिख रहा है कैसे हाँ। बोलते हुए, और जो आपने बोली है बातें रुपिंदर जी जो नोटिस किए वो सब फैंस नोटिस कर रहे हैं, बाप वाली बात को लेके भी बहुत नोटिस किया है लोगों ने, और सच्ची में कहीं ना कहीं ये लोग अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आसिम के बारे में ये जो आपने बोला है ये बहुत लोग बोलते हैं कि उसका जो लेवल है वो वहीं से शुरू होता है भौंक भौंक भौंक, आगे भी आप सुनेंगे ऑडियो उसमें भी इसी चीज का जिक्र है। तो थैंक यू रुपिंदर आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए, आगे भी भेजिएगा, थैंक यू। तो नवीन जी अभी आप ऑडियो चला रहे हैं मुझे लगा शायद भाई नवीन जी ऑडियो चला रहे हैं क्योंकि अगला ऑडियो ही कुछ ऐसा है, पता है ना आपको किसका है
शांति का ऑडियो है। बिग बॉस के घर में थोड़ा शांति रहनी चाहिए। जी जी सुनिए। अगर बिग बॉस हंगरी स्प्रिट चैनल, मैडम नमस्ते, सर जी नमस्ते। मैडम देखो एक शेर बोल रही हूँ, अर्ज किया है माहिरा ने जो भी बोला है बहुत बेबाक बोला है। वेरी गुड माहिरा, तुमने सबके दिलों की बात छीन ली। वेरी गुड माहिरा, पर माहिरा तुम्हें ना सलमान खान से डांट, सलमान खान सर जी से जरूर डांट पिटेगी। तो कोई बात नहीं, आपने जो भी बोला है जनता को मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा। वेरी गुड माहिरा, तुमने सब कुछ बोल दिया, सब कुछ, मजा आ गया, वाह 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 वाह। और मैडम एक बात सुनो, ये क्या है, ये लोग मायरा से क्यों नहीं लड़े, ये आसिम मायरा से क्यों नहीं लड़ रहा था, और वो रश्मि मायरा के आगे हाथ पैर जोड़ रही थी, मैडम क्या हो गया, डर गई क्या? ये सबसे डरते हैं ये दोनों के दोनों, सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला से नहीं डरते, इस घर में जो भी है वो सिद्धार्थ शुक्ला से नहीं डरता, बाकी सबसे डरते हैं, क्या है इन्हें? बताओ क्यों? क्योंकि इनको पता है, इन सबको पता है कि गेम कहाँ है, सिद्धार्थ शुक्ला के पास है सारी गेम, तो वहीं लड़ेंगे ये। इन्हें पता है और किसी से सर फोड़ते रहेंगे तो फायदा ही नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, तो इससे अच्छा जो है अपने को सिद्धार्थ शुक्ला से ही लड़ना है, इन्हें पता चल गया। और सिद्धार्थ शुक्ला वो अपनी गेम खेलता, देख लिया ना मैडम आपने कैसे भड़का रहे हैं सना को। और सना को देखो एक बार भी नहीं बोली, वो बोल रही थी ना मैडम एक कि वो बोलती है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, अब देख लो मैडम आज एक बार भी नहीं बोली वो। यहाँ की मतलब कि जब वो आसिम इतना गंदा बोल रहा था और विशाल और रश्मि, तो मन तो कर रहा था क्या करें, तो सना को कुछ भी नहीं हुआ, उसने कुछ भी नहीं बोला। तो मैडम कुछ नहीं है, यहाँ पे सब गेम खेलने आए, कोई कुछ नहीं है, सबका गेम है, चाहे वो आसिम हो, चाहे सना हो, चाहे सिद्धार्थ हो, चाहे रश्मि हो, और जितने भी घर के वो है, जितने भी सदस्य हैं, सब गेम खेल रहे हैं, सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला है जो रियल है, वो ही रियल है, वही शेर है, वही किंग है, अब जिसको जो बोलना है बोल ले। मन तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्या करें आसिम का और इसका, रश्मि का और विशाल का, पर इसने बहुत अच्छा वो दिखाया, ये क्या नाम है इसका, माहिरा ने सब, माहिरा को पता है ना, माहिरा ने सब खोल दी, इनकी पट्टी, पोल पट्टी सारी। डांट तो खाएगी बेचारी, मसला। सही बोलती है मैडम, वैसे वो हम उसको गलत समझते हैं, पर वो है, वो जीतेगी, देखना आगे जाएगी वो वोटिंग में, देखना मैडम उसके क्या नंबर आ जाएंगे, अब सबसे ऊपर आ जाएगी वो, रश्मि से भी ऊपर, इतना बढ़िया बोल गई आज। शांति जी वाह वाह क्या बात है, देखो ये आपने जानबूझकर किया, आपने पहले तो उसका जो है नीलिमा जी का लगाया और अभी शांति का लगाया ऐसे। देखिए हमारे लिए सारे फैंस जो हैं वो इक्वल हैं, मैं पहले भी बोलती हूँ, नीलिमा जी ने बोला उनका भी हमने डाला, शांति जी ने बोला उनका भी डाला, शांति जी का अपना सोचा उनका अपना है, बिल्कुल, बट शांति जी की खुशी जो है ना, जितना नीलिमा जी का गुस्सा आ रहा था उतनी शांति जी की खुशी जाहिर हो रही है। माहिरा ने अच्छा किया, माहिरा ने खुश कर दिया, बढ़िया है शांति जी, खुश रहा करो, ऐसे अच्छा लगता है, तो थैंक यू। और नीलिमा जी आप भी खुश रहो, आप भी खुश रहो, क्योंकि ये घर में सब चलता है, ऐसे ही ये लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, बाद में साथ में बैठ के बातें भी करते हैं, बाद में भी जब पार्टी शार्टिंग करेंगे साथ में करते, बाद में सब एक हो जाएंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे, तो गुस्सा मत कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मैं अकील जी का ऑडियो सुनाती हूं, ठीक है, सुनिए। हेलो सर, हाउ आर यू, बीबी क्लास आज की हम देखे सर, लेकिन हम वो होमवर्क नहीं कर सकते जो आप होमवर्क दे रहे हैं, हम नहीं करेंगे, ये रश्मि आंटी का हमको नहीं चाहिए होमवर्क, आप जो है ना अभी क्लासेस चालू करिए सर, आसिम रियाज की, पता नहीं उनके फैंस बोल रहे नेगेटिव दिखा रहे हैं, क्या नेगेटिव दिखा रहे हैं भाई, वो चला करके उस, अभी तो उसकी आवाज़ सुनने का भी जो है ना हम लोग को दिल नहीं है, आसिम रियाज इतनी गंदी जबान है उसकी, इतना गंदा बोलता है ना वो, पता नहीं सामने वाले को बोलता है गटर और मुश्क आ रही है और चैन किधर है तेरी, चैन किधर है, हाँ भोक 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 भोक, ये उनके फैंस को पसंद है, बड़े घटिया फैंस हैं इनके, किस तरीके की वो पोक करता है और वो बोलता है कि बायस्ड है बिग बॉस, सलमान खान बायस्ड है, हाँ उनके फैंस बोल रहे हैं, तो भैया निकल जाओ छोड़ दो बिग बॉस, अगर बायस्ड है तो ये तुम्हारी जो है ना ये फिल्म काम नहीं करेगी, इधर बायस्ड है तो फिर तुमको जो है ना ऐसा अच्छा दिखाएंगे, जो दिखाना है वही दिखा रहे बिग बॉस, और जो आप हरकतें कर रहे हैं वही दिखा रहे, आप नेगेटिव हरकतें कर रहे हैं ना भाई,
आप नेगेटिव हरकतें कर रहे हैं वही दिखाएंगे, पॉजिटिव आप करो पॉजिटिव दिखाएंगे। ऐसा थोड़ी है शुक्ला जी का बिग बॉस है या सना का बिग बॉस है, ऐसा नहीं ना। तो आप पहले रश्मि आंटी से दूर हो जाए फिर आप अपना गेम खेलें। और ये जो भोग 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 चैन किधर है, घर पे भी आप अपने भाई से ऐसी ही बात करते क्या मिस्टर राशिम रियाज? आप अपने भाई को ऐसे ही बोलते चैन किधर है तेरी? हाँ गटर बोलते हो सामने वाले को, सोचते नहीं हो आप क्या है, आप किस फैमिली से बोलते हैं? आप मेरी फैमिली ऐसी है मेरे, हाँ आपके भाई भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, तो फिर पता हमको इसी से चलता है ना, जो आपकी लैंग्वेज है आपकी जो बातचीत करने का अंदाज है उसी से हमको पता चलता है कि आप किस फैमिली से आते हो। तो प्लीज आप थोड़ा सा हद में रहें और जो भी करो शुक्ला जी को छोड़ के करो तो मान लेंगे भाई। तुमको कॉन्टेंट ही नहीं मिलता ना शुक्ला जी के पास, जब तक नहीं जाओगे तो तुमको कोई पहचानेगा नहीं, तुमको कोई जो है ना आपके फैंस आपको लाइक करेंगे नहीं। और अभी तो आसिम रियाज की आवाज़ सुनने का भी मन नहीं कर रहा है अभी, सच मानो तो सर बिल्कुल लिटरली हम लोग यानी वो जो बोलता है ना एकदम घटिया बात करता है वो, पता नहीं वो क्या है कैसे उसके फैंस है। पहले अच्छा खेल रहा था लड़का, अभी बिगड़ गया, ट्रैक तेरी गलत हो गई है भाई। अभी तू बोलता है कि यार मेरे को नेगेटिव दिखा रहे और आपके फैंस बोल रहे नेगेटिव दिखा रहे, ऐसा थोड़ी ना होता भाई, जो करोगे आप वही दिखाएंगे ना। तो थोड़ा सर क्लासेस आप इनकी लीजिए, इनकी क्लासेस ज्वाइन कराइए हमको, हम बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर। देखो अगर अगर तो सजा मिलेगी, टीचर बोल सकता है नहीं होमवर्क नहीं करोगे तो। थैंक यू सो मच अकील भाई, तो बहुत बहुत बढ़िया लगा आपका कि ये क्या करें अभी आप मतलब इन्होंने सुननी तो पड़ेगी, देखो आवाज और इन्होंने आपको होमवर्क दिया है ना, इन्होंने कहा है कि आप इस चीज सुना होगा आपने, इस पे आप क्लास बनाइए बिग बॉस की, तो आप कीजिए। और बहुत ही बढ़िया से आपने मेंशन किया और ये बात सही है, मैंने आपको पहले भी नवीन जी बोला कि आगे भी ऑडियो ऐसे आएंगे जिसमें आसिम रियाज के बारे में है कि उसका जो आवाज है इरिटेट कर रही है, है ना, क्योंकि वो उसी लेवल से शुरू होता है, लेवल पे तार सब तक से वैसे भी शुरू होता है और उसकी वोकैबुलरी जो है ना वो थोड़ी कम है, इसलिए वो सेम वर्ड्स गटर मुश्क ये वर्ड बार बार बोल, उसकी उसकी वोकैबुलरी है नहीं है, वो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही ऐसा होता है। हाँ, जिक्र भी किया किसी ने इसमें इस बात का कि बाकी लोगों से नहीं लड़ते हैं, शांति ने शायद किया ये जिक्र कि बाकी लोगों से नहीं लड़ते हैं, ये इन्हीं के साथ जाके अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं क्योंकि इन्हीं से इनको फुटेज मिलती है, ऐसा मतलब दर्शकों का मानना है और काफी दिखता भी है। तो थैंक यू सो मच अकील जी आपके ऑडियो के लिए, और सब लोग घर पे हैं और सब लोग जो घर पे हैं वो सब खेलने आए हैं, जीतेगा तो कोई एक ही है ना। और मेरी फिर से आप सभी से यही गुजारिश है कि मतलब यू मे डिसएग्री विद ईच एनीवन पर डू नॉट डिसरिस्पेक्ट। जी हाँ, तो इसी नोट पे आज का खत्म करते हैं ऑडियो का सिलसिला, और नंबर शेयर करना तो जरूरी है तो नंबर शेयर कीजिए 7700290038। जी हाँ, इस नंबर पे भेजिए अपने मैसेजेस, ढेर सारे ऑडियो और वीडियो, और बने रहे हमारे चैनल हंगरी स्पिरिट्स के साथ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.